कितनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे। गोली भी चल सकती है, कहीं मेरे हिस्से की मौत तुम्हें न मिल जाए। आओ इधर। मुस्तफा भाई, बम लगाने वाला का पता चल गया है। महेश का बेटा आनंद था, मैं उसे गोली सुना दूंगा। मुस्तफा भाई, कोई गोली से नहीं मरेगा, सभी वैसे ही मरेंगे जैसे कविता मरी थी। बताता हूं, जानता नहीं कौन हूं मैं। चलाट पिजाट, वरना दांत तोड़ दूंगा। चल। मेरी तरह लगता है, बीवी को मारा, मैंने तेरे बच्चे को मारा, हिसाब बराबर का हुआ। आगे बढ़ाना है तो बोल, बहुत कुछ गवाना पड़ेगा। बेहतर यही है कि सब कुछ भूल जाते हैं। तो
आओ। लोहे का जिगर रखते हो मुस्तफा, कविता की मौत को सहन कर लेना मेरे लिए तो मुश्किल था, लेकिन ये घाव तुमने बड़ी हिम्मत से सहन कर लिया है। आओ। मुस्तफा, मुस्तफा, ए मुस्तफा, नहीं अब्बा, पहली बार मैं सह नहीं पाया। कविता के साथ मेरा ऐसा रिश्ता था जो सिर्फ मेरा अपना था। मुस्तफा, अब कोई नहीं है मेरा। यतीम था, यतीम रहूंगा, यतीम मरूंगा। क्यों ऐसे बोल रहा है? मैं कोई नहीं हूं तेरा, हाँ? कोई नहीं हूं मैं तेरा, हाँ? मैं कोई नहीं हूं क्या? मैं हूं ना मुस्तफा भाई, सगा नहीं तो क्या हुआ, सगे भाई के जैसा हूं। अरे तू तो मेरा बेटा है, मेरे मरने के बाद मेरा कर्म कांड तो तू ही करेगा, हाँ? ए मुस्तफा, मुस्तफा, चल चल उठ, काम की बात करते हैं। आजा, आजा। देख, मैंने सुना है कि राजा बाबू चौधरी की पार्टी आम सभा की तैयारी कर रही है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ। आप चाहते हैं कि वो आम सभा शोक सभा में बदल जाए? यही चाहता हूँ। ये नहीं होगा अब, मुझे माफ कीजिए। आज तक मैंने आपके लिए बहुत खून बहा, मेरी वजह से कई औरतें बेवा हो गई, कई बच्चों के सर से अपने बाप का साया उठ गया, अब ये सारा मुझसे नहीं होगा अब। मुस्तफा, ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने दूसरों के घर उजाड़े ना, इसलिए अल्लाह ने मुझे बेघर कर दिया। बसते बसते मेरा घर उजड़ गया, कविता चली गई, मैं अकेला हो गया। मुस्तफा, हमारे धंधे में ऐसा बोलना बुजदिली है, यहाँ जज्बातों की कोई कीमत नहीं है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी, मुझे माफ कर दो। मुस्तफा, अब क्या करेगा तू? उसने रुलाया है वही हंसाएगा, अल्लाह बड़ा बादशाह है। मुस्तफा भाई, अब्बा का कोई पैगाम लाया है तो वापस चला जा। क्यों मुस्तफा भाई, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? चल बैठ। कैसा चल रहा है मुस्तफा भाई? चल रहा है, अल्लाह कोई काम नहीं दे रहा है, बेकार बैठा हूं, बच्चों के साथ दिल बहला रहा हूं। मुस्तफा भाई, वो दयानंद दीक्षित याद है, जिसके घर के बाहर पैसे लटका कर आए थे, वो अब भी वहीं लटक रहे हैं। वाकई ईमानदार आदमी है, ये दुनिया उसे जीने नहीं देगी। वही तो हुआ है उसके साथ, रिश्वत के इल्जाम में अंदर किया है उसको, बीवी बेचारी अस्पताल में है, बच्चों की हालत यतीमों से भी बदतर है। जिंदगी में किसी दूसरे के लिए एक भी अच्छा काम करोगे तो सारे पाप धुल जाएंगे। शुक्र है तेरा माबूद। जब तक आप पैसों का इंतजाम नहीं करते, हॉस्पिटल उन्हें डिस्चार्ज भी तो नहीं कर सकती। अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अजीब तमाशा है, ये हॉस्पिटल है, कोई मुसाफिर खाना तो नहीं। आप कहीं से भी पैसों का इंतजाम कीजिए, समझे? लेकिन हम इतने सारे पैसे कहां से लाएंगे? That's your problem. मैं दूंगा। कितने पैसे? 55,000। माँ को संभाल कर ले जाना, डरना नहीं, दीक्षित की जमानत हो जाएगी, वो भी जल्दी लौट आएंगे। लेकिन हम ये पैसे, इसके बदले में तुम्हें कोई गलत काम करना नहीं होगा, इस बात का घर में पता न चले तो अच्छा होगा। यहाँ साइन कीजिए।